नमस्कार साथियों, ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। साथियों, इस वीडियो में आप सभी के साथ रिसेंट की ही एक बड़ी खबर साझा करेंगे जो कि आप सभी के समायोजन से जुड़ी हुई है। खबर क्या है आप सभी स्क्रीन पर देख लें कि शिक्षा मित्रों ने बैठक में भरी हुंकार, अब होकर रहेगा समायोजन, क्या कार्य हुआ है आपके लिए, ये आप सभी के साथ लाइव प्रूफ के साथ साझा करेंगे। और कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स है जहां पर आप सभी के समायोजन से जुड़ी हुई बातें लिखी हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस होंगी। तो आप सभी इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर अभी तक आपने आप में से किसी भी साथी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अब साथियों चलते हैं अपडेट पर। अपडेट आपकी स्क्रीन पर खुलकर आ चुकी है। आप सभी अपनी स्क्रीन पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग्स देख लें। यहाँ पर आप पहली न्यूज़पेपर की कटिंग देख पा रहे होंगे, इसके बाद सेकंड न्यूज़पेपर की कटिंग है, फिर आप यहाँ पर देख लें कि थर्ड न्यूज़पेपर की कटिंग है जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी, जहाँ पर तीनों में ही एक ही बात लिखी गई है। लेकिन यहाँ पर मेनली क्या बात है मैं आपको बता दूं। आप यहाँ पर हेडलाइन अगर देखें कि शिक्षा मित्रों ने बैठक में भरी हुंकार, बनाई रणनीति। रणनीति किस प्रकार से बनी है, दरअसल ये खबर बरेली की है कि उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा मित्र संघ की बैठक चौकी चौराहा स्थित सेठ दामोदर स्वरूप पार्क में शनिवार को हुई, जिसकी अध्यक्षता संघ के प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने की, संचालन ब्लॉक अध्यक्ष आसिम हुसैन ने की। बैठक में जिलेवा विकास खंड के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक में बिंदुवार संघर्षों के रूपरेखा के बारे में चर्चा हुई। जिला अध्यक्ष कपिल यादव ने कहा कि प्रदेश संगठन में निर्णय लिया है कि 25 दिसंबर के पहले बेसिक शिक्षा मंत्री अथवा सरकार के प्रतिनिधि कार्यक्रम में आकर शिक्षा मित्रों के हित में यदि कोई ठोस निर्णय नहीं लेंगे तो आंदोलन होगा। प्रदेश मंत्री कौशल कुमार सिंह ने कहा कि 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के आंदोलन का आगाज प्रारंभ कर दिया जाएगा। 2 जनवरी को प्रदेश के सभी जनपदों पर धरना प्रदर्शन करके मांग पत्र सौंपा जाएगा। 11 व 12 जनवरी को प्रदेश स्तर पर स्वाभिमान बचाओ रैली का आयोजन प्रस्तावित है, जो कि एक अनिश्चितकालीन आंदोलन के रूप में होगा। जहां पर साथियों ये सारी अपडेट्स आप सभी ने देखी होंगी, जहां पर किनकी उपस्थिति रही ये बातें भी आप यहां पर देख सकते हैं। फिलहाल के लिए इस न्यूज में आप सभी के लिए एक बड़ा आगाज यानी कि एक बड़ी रणनीति यहां पर तय की गई है, जो कि केवल एक संगठन के द्वारा ही नहीं, आप सभी के जितने संगठन है सभी के द्वारा ये रणनीतियां तैयार है, और हो सकता है कि आगे इस प्रकार के कदम आपके समायोजन के लिए उठाए जाए। फिलहाल के लिए खबर यही इतनी थी। इस पर आपकी राय क्या है आप कमेंट में लिखकर बताइएगा, और अगर ये अपडेट आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। जय हिंद, नमस्कार।